उत्तराखंड के नवनिर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष नैनीताल एवं अल्मोड़ा के जिला प्रभारी व प्रदेश महिला मोर्चा प्रभारी शिशुपाल रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर कालाडुंडी रोड पर स्थित खंडेलवाल भवन में कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में शिशुपाल रावत ने पार्टी को मजबूत करने की ओर लोगों को इशारा किया। आम आदमी पार्टी को बताया कि आम आदमी पार्टी ने जाति धर्म की राजनीति छोड़कर विकास की राजनीति कर रही है। देखिए, पहले तो जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में प्रत्येक चुनाव को लड़ेगी। और इसी संदर्भ में पहली बार उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ा। हमारे पास संगठन की वो ताकत नहीं थी जो कई साल पुराने दोनों पार्टियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो केजरीवाल जी की नीतियां हैं काम करने की, ईमानदार सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर, उसको लोगों ने सराहा है। और सराहते हुए जैसे पंजाब में पहले 22 सीटें दी थी, लेकिन इस बार जो है 92 सीट दे करके एक ऐतिहासिक बहुमत दिया है, और हम वहाँ पर अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से उत्तराखंड में भी जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में चूर है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चार धाम यात्रा की बात हो, ये लोग कहीं पर भी जो है अपने वादों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। उस बात को हमारे कार्यकर्ता सब मिलजुल करके केजरीवाल जी की नीतियों को और जनमानस की जन सेवा के लिए, जो हमारा है कि हम भाई व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करेंगे, उसको लेकर के आगे चलेंगे।